महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह का भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमपी इंटर कॉलेज के प्रताप मंच पर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ तथा ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ तथा महाराणा प्रताप के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का समापन किया। इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत को नंबर एक देश बनाना है तथा नंबर एक वर्चस्व के लिए नहीं बल्कि विश्व कल्याण के लिए। उन्होंने कहा, नई शिक्षा नीति का विचार भारत के बच्चों को वैश्विक नागरिक बनाना है तथा भारत के बच्चे वैश्विक नागरिक बनने में जुटेंगे। उन्होंने कहा, यहाँ पर बाबा गंभीर नाथ पीठ की स्थापना तो हो ही रही है तथा महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय स्पेशल एजुकेशन से जुड़कर इस आध्यात्मिक नगरी में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा तथा युग पुरुष किसे कहा जाता है इसका उत्तर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ के रूप में मिलता है। उन्होंने देश व समाज की भलाई के लिए 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की नींव रखी तथा उनकी दूरदर्शी परंपरा आज समझ आती है तथा उनके दूरदर्शी परंपरा को ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ और आज योगी आदित्यनाथ तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं इस अवसर पर छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहाँ पर भारत माता के वीर सपूत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत एक वर्ष पहले महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के इसी कार्यक्रम में मार्गदर्शन देने के लिए आए थे तथा यहाँ पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के छात्र व छात्राओं ने देखा होगा कि कैसे एक सैनिक अधिकारी संपूर्ण समर्पण भाव के साथ देश की सेवा करता है, जिसका उदाहरण जनरल विपिन रावत थी तथा उन्होंने यहाँ पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के छात्र व छात्राओं का मार्गदर्शन भी किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनरल विपिन रावत एक उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी के साथ ही एक दूरदर्शी सेना अधिकारी थे तथा आप लोगों ने देखा कि जब 4 दिसंबर 2020 को उन्होंने अपना उद्बोधन दिया था तो इस बात को कहा था कि हम सबको भविष्य की उन चिंताओं को जरूर विचार करना चाहिए और उसके लिए तैयार रहना चाहिए तथा एक जैविक युद्ध मानवता के सामने संकट खड़ा कर सकता है तथा दुर्भाग्य से वह हमारे बीच नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार तथा महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी संस्थाओं की तरफ से दिवंगत आत्माओं के लिए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस अवसर पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी, विधायक विपिन सिंह, विमलेश पासवान, खजनी के ब्लॉक प्रमुख अंशु सिंह सहित भारी संख्या में छात्र व छात्राएं उपस्थित रहीं। शुभारंभ होने जा रहा है, मंच पर विराजमान होने के लिए हमारे परम पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर श्रद्धेय महाराज श्री माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री भारत सरकार हमारे बीच मंच पर विराजमान होने के लिए पधार रहे हैं। आप दोनों अति विशिष्ट सम्मान अतिथियों का इस मंच पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभागार ब्रह्मलीन महंत दिव्यनाथ जी महाराज, ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की प्रतिमा एवं जनरल विपिन रावत सीडीएस के चित्रों पर पुष्पांजलि। हमारे प्रेरणा स्रोत जिनके नाम पर हमारी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्था नामित है और इसके पूज्य संत जन का स्वागत और अभिनंदन। माँ सरस्वती हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप ब्रह्मान दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज, माँ सरस्वती मंत्री पूज्य महाराज श्री प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के आदरणीय अध्यक्ष कुलपति मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेजर जनरल अतुल वाजपेयी जी कुलपति गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय, चौधरी प्रमोद कुमार चंद जी आदरणीय सदस्य महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, आप सभी मंचस्थ अतिथियों का स्वागत अभिनंदन। आज का यह कार्यक्रम सर्वप्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमती मधुलिका रावत सहित कुल 13 सेनाधिकारियों और सैनिकों के प्रति महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की विनम्र साथ सूचित करना पड़ रहा है कि परसों 8 दिसंबर 2021 को हमारे देश की
सशस्त्र सेनाओं के चीफ ऑफ डिफेंस धर्मपत्नी एवं आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष श्रीमती मधुलिका रावत तथा 11 अन्य सेनाधिकारियों के अनुरूप भविष्य की एकीकृत थिएटर कमांड प्रणाली के मुख्य शिल्पी एवं निर्माता भी थे। अभी पिछले ही वर्ष हमारे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के उद्घाटन समारोह में 4 दिसंबर 2020 को मुख्य अतिथि के रूप में अपने उद्बोधन में उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा था, छात्र अपनी संस्कृति से जुड़कर अपना प्राचीन गौरव वापस ला सकते। मातृभूमि को समर्पित सपूत जनरल रावत, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत एवं सभी सेनानियों, ब्रिगेडियर LS रावत, उनकी धर्मपत्नी और अन्य सभी 13 शहीदों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि 2 मिनट का मौन। शांति 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 के साथ माननीय प्रधान जी का महाराणा प्रताप सिंह उत्तरीय स्मृति ग्रंथ एवं गुरु गोरख पुस्तक जिनका मार्गदर्शन जिनका पाठ है हम सब प्राप्त करना चाहते हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की युवा पीढ़ी ऐसे हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी का संक्षिप्त परिचय। पूर्वी उत्तर प्रदेश के शैक्षिक जगत में आयोजित होने वाले इस भव्यतम समारोह में आज हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी वर्तमान में हमारी केंद्रीय सरकार में शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं। आपका जन्म 26 जून 1969 को ओडिशा के अनुगुल जिला अंतर्गत तालचेर में हुआ। संसद एवं वाजपेयी सरकार के माननीय मंत्री तथा देवगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से सांसद डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी, माता श्रीमती बसंत मंजरी तथा धर्मपत्नी श्रीमती उड़ीसा से मानव विज्ञान में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त की है। माननीय प्रधान जी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य के रूप में किया और 1985 में आपको तालचेर कॉलेज छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया। गोपबंधु प्रतिभा सम्मान तथा उड़ीसा नागरिक पुरस्कार से आने के लिए प्रतिबद्ध माननीय प्रधान जी यात्रा करने और पुस्तकें पढ़ने के शौकीन हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए कई प्रदेशों के प्रभारी लोग महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की संस्थापक सप्ताह समारोह के अंतिम दिवस पे मंच पे उपस्थित गोरखधाम के पीठाधीश, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम सभी के नेता
परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मंच पे उपस्थित, संस्थान की अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर आदरणीय प्रोफेसर जेपी पांडे जी, नवगठित महायोगी गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर मेजर जनरल अतुल वाजपेयी जी, महानगर के मेयर आदरणीय श्री सीताराम जायसवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्षा श्रीमती साधना सिंह जी, प्रमोद कुमार जी, प्रवतनाथ मिश्र जी, अनुज चौधरी जी, विधायक मित्र राघवेंद्र सिंह जी, मंच पे बैठे हुए अन्य सभी महानुभव, सभा में उपस्थित सम्माननीय नागरिकगण और इस शिक्षा संस्थानों से जुड़े हुए 50,000 से अधिक विद्यार्थी भाई बहनों की प्रतिनिधि और संस्थानों की प्रतिनिधि भाई और बहनों, मैं आज खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं जो संस्थान लगभग सदी पहले ऐसे आज की तिथि से गिनती किया जाए 1932 और 2021 10 दिसंबर तक 89 साल 89 ईयर्स की इस प्रवास के सफल प्रवास के उपरांत आज इस संस्थापन सप्ताह की उत्सव में आपने हमें आमंत्रित किया और गोरखपीठ ऐसा ही स्थान है, गोरखपुर ऐसा ही स्थान है। मित्रों, ये अनेक प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण स्थान है। हजारों साल पहले जब महाप्रलय हुई, शायद ये इलाका महासागर रही होगी। मैं पेट्रोलियम विभाग के कुछ दिन काम का संभाला, तब भूशास्त्र के बारे में थोड़ा अनुभव और अध्ययन हुई। महाप्रलय के समय में शिव जी जो स्वयं गोरखनाथ के रूप में इस पीठ में विराज है, उनकी तांडव के कारण इस महासागर जब हिमालय के रूप लिया, बाद में साहित्यकारों ने उसको सृष्टि की रचना के साथ जोड़ के वर्णन भी किया होगा, महासागर हिमालय हुआ, महापर्वत हुआ, उसी संगम स्थल की नाम है गोरखपुर। ऐसे ही पवित्र स्थान पे हिमालय की तलहटी में, हिमालय की इस पद स्थल पे, जहां विचारों की दृष्टि से महाप्रभु गोरखनाथ जी के विचारों के साथ साथ इस सभ्यता को दिग्दर्शन देने के साथ साथ परवर्ती समय में महाप्रभु बुद्ध भगवान की भी जन्मस्थान संस्कार स्थान ये इलाका रहा है। और आप सब जो आज की पीढ़ी के विद्यार्थी और पिछले 89 साल के अंदर जो विद्यार्थी इस शिक्षा मंदिर में, विद्या मंदिर में, विद्या नगरी में प्रवास करते हुए समाज जीवन में आप उत्कर्ष स्थापित किए हैं, आप सभी लोग सौभाग्यशाली हो इस संस्थान के साथ जुड़ने के लिए। कभी कभी साहित्य में जब मैं पढ़ता हूं, युग पुरुष किसको कहा जाए, दूरदृष्टा किसी को कहा जाए, विजनरी किसको कहा जाए, पढ़ते हुए तो एक साहित्य ही लगता है, शब्द ही लगता है। कभी कभी जब समाज में ऐसे युग पुरुष महापुरुषों की कृति के स्थान पे, सृजन के स्थान पे आते हैं, तब उसकी व्यापकता समझ में आती है। युग पुरुष महंत
स्वामी दिग्विजयनाथ जी उस समय में समाज की स्थिति क्या थी। लंबे समय के मुगलिया शासन के उपरांत अंग्रेज हुकूमत के दौरान समाज की क्या स्थिति बनी होगी। 20वीं सदी के उस खंड को थोड़ा याद करिए, देश की क्या स्थिति रही होगी, उस समय में क्या जिम्मेवारी रही होगी राष्ट्रीय नेतृत्व पे और संत समाज पे। अनेक संत उस समय में भी शायद ये मेरा काम नहीं है, मैं तो आध्यात्मिक चेतना में लगूं, ऐसे बहुत संतों ने भी अपने भूमिका को व्याख्यित किया होगा। लेकिन इस पीठ की परंपरा ये रही है, समाज जब जब विपत्ति में रहा है समाज के साथ समाज को जागृति करते हुए खड़ा करना, ये काम पूज्य दिग्विजयनाथ जी ने किया। उतने में सीमित नहीं रहे, भविष्य की पीढ़ी को भी तैयार करना, आखिर आजादी तो मिलना ही है, आजादी को तो हासिल करना ही है, प्रजातंत्र लाना है, लेकिन लाएंगे तब क्या करेंगे, तब जो नया भविष्य हमारे सामने वो दिख पाए उसके लिए उन्होंने शिक्षा संस्थान भी बनाए, महाराणा प्रताप शिक्षा संस्थान बनाए, जो बटम रुख आज बना है, तब युग पुरुष की विजन, युग पुरुष की दूरदृष्टि आज समझ में आती है। उसको उस परंपरा को महंत अवैधनाथ जी ने आगे बढ़ाया, आज योगी आदित्यनाथ जी उस परंपरा की एक सही वाहक के रूप में 21वीं सदी में इस गोरखपीठ में गोरखधाम में एक नई ऊंचाई खड़ा करने के लिए ना केवल गोरखपुर में, पूरा प्रदेश में, पूरा देश में एक नई परंपरा आज से शुरू हो रही है। मित्रों, इस बीच में नई शिक्षा नीति देश में आई है। इस बीच में पिछले ही साल भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी की उपस्थिति में महागुरु योगी गोरखनाथ जी की यूनिवर्सिटी भी स्थापित हुई है। और यूनिवर्सिटी की प्राथमिकता किस पे है, यूनिवर्सिटी की नई यूनिवर्सिटी की प्राथमिकता आज के समय की, आज हम अभी पुष्पांजलि दिए भारत की सपूत लड़ाकू सेना सेनापति हम सभी के श्रद्धा के केंद्र। मन आज भर रहा है कि ठीक एक साल पहले इसी मंच पे मैं इसीलिए खुद को भी सौभाग्यशाली मानता हूं, सीडीएस बिपिन रावत जी की गरिमामयी उपस्थिति ठीक एक साल पहले हुई, उनको आज हम श्रद्धांजलि दिए। हादसा हुई है अभी अभी, महाराज जी यही से उनको उनके पार्थिव शरीर को हम सभी की ओर से अंतिम दर्शन करने के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे जाएंगे। मित्रों, उन्होंने 2 दिन पहले कहा था विश्व केमिकल वॉरफेयर के लिए, बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए खुद को तैयार करें। मित्रों, जब परिवर्तन हो रहा है, विश्व की रणनीति में परिवर्तन हो रहा है, ये कोरोना ये बिना निस्संदेह कोई संदेह के बिना ये कहा जा सकता है ये एक प्रकार से एक बायो वॉरफेयर है। कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, आज विश्व के कई लोग कई विद्वान उसके ऊपर चिंता कर रहे हैं। ओमिक्रॉन उसके एक दूसरा रूप आया है भैया, उस समय में समाज की आवश्यकता क्या है इसको ध्यान में रखते हुए चिकित्सा सेवा पे नई विश्वविद्यालय काम करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनेक विषयों पे जोर दिया है। मैं 2-3 विषय नई पीढ़ी की बच्चों के सामने, देश के भविष्य के सामने 2-3 विषय उल्लेख करके मेरे बारे को विराम दूंगा। मैं कल ही यहाँ आते आते बिपिन रावत जी के एक बयान पढ़ रहा था, भाषण सुन रहा, तो कह रहे हैं सेना में नौकरी, सेना में ज्वाइन करना सिर्फ एक नौकरी नहीं है, सेना में ज्वाइन करना एक पैसा नहीं है, रोजगार के उपाय नहीं है, सेना में ज्वाइन करना यानी अपना शारीरिक शक्ति और प्रबल इच्छा
इच्छा शक्ति की पराकाष्ठा दिखाने से देश की सेवा करने के एक मौका है, यही सेना में ज्वाइन करने का मकसद है। हमारे देश की सब सैनिक यहाँ बैठे हैं। 21वीं सदी में इस सभ्यता की सामान्य लोगों ने जो सपना दिखा है, गोरखनाथ जी ने जो सपना दिखा होगा, जिस सपने को आज हम सब मिलकर साकार करना है कर रहे हैं, भारत को विश्व की एक नंबर देश बनानी है। एक नंबर देश इसलिए बनानी है कि हम अपना बच्चों को खड़ा करना नहीं, वसुधैव कुटुंबकम विश्व की कल्याण, मानवता की कल्याण की कल्पना करने वाले हम लोग। हमने चिकित्सा की पढ़ाई इसीलिए करना है, हमारे देश को सुरक्षित करने के लिए नहीं, विश्व को सुरक्षित करने के लिए। राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति इसकी बारे में विचार ले रहा है, ग्राम वैश्विक नागरिक बनानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सपना है भारत की बच्चे वैश्विक नागरिक बने, ग्लोबल सिटीजन बने। वो बनेंगे गोरखपुर से, इस पवित्र गोरखधाम से, गोरखपीठ से। कैसे? जो महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी होगा उसमें मैं अभी महाराज को अनुरोध कर रहा था कि चुनाव की भीड़ 2-4 महीने में समाप्त हो जाएगा, दोबारा हम लोग काम पे जुटेंगे गोरखपुर में कैसे ग्लोबल सिटीजन बनाने के लिए। मैं भारत की शिक्षा मंत्री के नाते मैं आज गोरखपुर में जिम्मेवारी लेना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले आया था, स्वाम गंभीर नाथ, पूज्य गंभीर नाथ जी के नाम पे गोरखपुर यूनिवर्सिटी में चेयर की स्थापना करके गए। आज मैं एक जिम्मेवारी लेके आने जा रहा हूँ। यहाँ राणा प्रताप शिक्षा संस्थान है, नई बन रही है महायोगी गोरख यूनिवर्सिटी बन रही है, पुरानी हमारी राज्य की यूनिवर्सिटियां हैं, ये सब को मिला के उद्योग जगत जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मोदी जी ने योजना बनाई है, स्पेशल एजुकेशन जोन होगा। आने वाले दिनों में इस आध्यात्म नगरी गोरखपुर को एक स्पेशल एजुकेशन जोन के रूप में हम लोग बनाएंगे, जिसमें वैश्विक नागरिक हम तैयार होंगे। किस विद्या में? चिकित्सा में। मैं अंतिम रूप में आभार प्रकट करता हूं, मैं जब 2004 में लोकसभा में आया, मैं महाराज योगी आदित्यनाथ जी को आपकी प्रतिनिधि के रूप में पार्लियामेंट में मेरे को मिलने का देखने का सौभाग्य मिला। मैं आज सार्वजनिक रूप में एक विषय कहना चाहूंगा। मेरे मन में था कि एक योगी एक भगवान में पहनने वाले एक व्यक्ति तो क्या मुद्दा उठाते होंगे, शायद धर्म संस्कृति परंपरा के बारे में मुद्दा उठाते होंगे। मित्रों, मैं अभिभूत था उस विषय को देखते हुए जब योगी आदित्यनाथ जी ने मुद्दा उठाया कि हिमालय की तलहटी में गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर ये इलाका रहता है, यहाँ गरीब बच्चे काला जर में इंफ्लुएंजाइटिस से मृत्यु करते हैं, उनकी चिकित्सा के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। लोकसभा में उसको बड़े व्याकुलता के साथ, बड़े तन्मयता के साथ, बड़े भावुक होकर उठाते थे। मेरी दृष्टि बदली थी योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर। मित्रों, आज सफल नेतृत्व किसको कहा जाता है? भाषण देने से इस देश में बहुत लोग गरीबी हटाओ का नारा दिए, बहुत लोग अनेक विषयों पर उद्बोधन किए, लेकिन वो सिर्फ भाषण में रहा। लेकिन आज जब मैं 2 दिन पहले यहाँ हम सब देखे माननीय प्रधानमंत्री जी की कर कमलों पे 2 संस्थान लोकार्पित हुआ, एम्स स्थापित हुई गोरखपुर में, नई परिसर एम्स की स्थापित हुई, लोकार्पित हुई, दूसरा ICMR की रीजनल सेंटर हुई वायरोलॉजी के ऊपर। तब मेरे मन में आ रहा था नेतृत्व उसी को कहा जाता है जो सिर्फ मुद्दा नहीं उठाता है, उसके समाधान भी निकालता है। ऐसे ही हमारे योगी आदित्यनाथ यही गोरखपुर में खाद कारखाना बना था, बंद भी हुआ था। मेरा सौभाग्य है पेट्रोलियम विभाग की थोड़ा बहुत भूमिका है,
ये जो पाइप लाइन आज गोरखपुर तक आई है, गोरखपुर शहर में भी पानी जैसे नल में आता है, ऐसे घरेलू गैस भी नल में आना शुरू हुआ होगा। यहाँ भी लोग, माताएं बहने, अब सिलेंडर की या लकड़ी की इंतजार नहीं करना पड़ रहा होगा उनको। धीरे धीरे पानी जैसे नल में आता है, रसोई की गैस भी नल में आ जाएगा, गोरखपुर की घर घर में, जिले में आएगा, उत्तर प्रदेश भर में आएगा। उसी की काम में खाद कारखाना से कारण हो पाई है। खाद कारखाना मोदी जी के हाथ में शुरू हुई थी, तब योगी जी MP थे, आज खाद कारखाना की लोकार्पण हुए, किसानों को समर्पित किया गया। वही मोदी जी प्रधानमंत्री है, योगी जी मुख्यमंत्री जी है। इसी को विकास कहा जाता है, इसी को नेतृत्व कहा जाता है। मैं बच्चों को ये कहने के लिए आया है, मन में संकल्प करें, हम 21वीं सदी में दुनिया की समस्या के समाधान की केंद्र गोरखपुर को बनाएं, इस महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को बनाएं। जब आने वाले दशकों के बाद हम फिर कभी समारोह में मैं आऊंगा एक नागरिक के नाते देखने के लिए, तब हमको विश्व के समाधान की वार्ता इसी पीठ से मिले। इसी शुभेच्छा के साथ अनेक अनेक धन्यवाद, आपने हमको निमंत्रित किया और गोरखपुर के सारे नागरिकों को आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। नीतियों के अतिरिक्त उससे हटकर जब देश की सत्ता, प्रदेश की सत्ता किसी संत के हाथ में होती है तो लोक कल्याण का कार्य किस तरह। केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष, पूर्व कुलपति प्रोफेसर हृदय प्रताप सिंह जी, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति प्रोफेसर JP पांडे जी, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू चौधरी जी, माननीय विधायकगण श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, अश्वनी त्रिपाठी जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के हमारे पदाधिकारीगण चौधरी प्रमोद चंद जी, श्री प्रमोद नाथ मिश्र जी, अन्य सभी पदाधिकारी और सदस्यगण, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी विभिन्न संस्थाओं के निदेशक, प्राचार्य, प्रधानाचार्य, आचार्यगण, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह के इस मुख्य महोत्सव कार्यक्रम में आज हम सब यहां पर विगत एक सप्ताह के दौरान या विगत एक वर्ष के दौरान जिन छात्रों ने अपनी प्रतिभा से अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है, विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं में, प्रतियोगिताओं में उनका सम्मान करने के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। लेकिन मुख्य महोत्सव के साथ ही हम सब यहां पर भारत माता के एक महान सपूत, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत जी, ब्रिगेडियर मेजर विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान और अन्य सैन्य कर्मियों के अभी दो दिन पूर्व
एक हेलीकॉप्टर क्रैश की दुर्घटना में दिवंगत होने पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। विंग कमांडर वरुण सिंह, जो इसी पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया के निवासी हैं, गंभीर रूप से घायल हैं। उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करने के लिए भी आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। हम सब जानते हैं कि एक वर्ष पहले सीडीएस श्रीमान बिपिन रावत जी महाप्रताप शिक्षा परिषद के समारोह में अपना मार्गदर्शन देने के लिए महाप्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को, संस्थाओं को यहां पर आए थे। और उस समय आपने देखा होगा, एक सैनिक के स्वरूप में संपूर्ण समर्पण भाव के साथ देश की सेवा करता है, उसका एक उत्कृष्टतम उदाहरण जनरल बिपिन रावत थे। कैसे उन्होंने उस समय भी अपने महत्वपूर्ण उद्बोधन के माध्यम से महाप्रताप शिक्षा परिषद की संस्थाओं का, यहां पर अध्यापन के कार्य से जुड़े हुए, व्यवस्था से जुड़े हुए प्रधानाचार्य आचार्य शिक्षकों का और यहां पर अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं का, विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम से जुड़े हुए छात्र छात्राओं का, प्रशिक्षकों का उन्होंने मार्गदर्शन भी दिया था। जनरल बिपिन रावत एक उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी के साथ ही एक दूरदर्शी सैन्य अधिकारी भी थे। और आपने देखा होगा 7 दिसंबर को जिन्होंने उन्होंने अपना अंतिम वक्तव्य दिया था, वो दूरदर्शी व्यक्ति के सोच को स्पष्ट प्रदर्शित करता है, जिसमें उन्होंने इस बात को कहा था कि हमें भविष्य की उन चिंताओं पर जरूर विचार करना चाहिए और उसके लिए तैयार रहना होगा जो जैविक युद्ध के रूप में मानवता के सामने एक संकट खड़ा कर सकता है। 8 दिसंबर को सभी समाचार पत्रों में सीडीएस जनरल बिपिन रावत के इस वक्तव्य को प्रमुखता के साथ छापा भी है। दुर्भाग्य से आज वे हमारे बीच में नहीं है। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से महाप्रताप शिक्षा परिषद की सभी संस्थाओं की ओर से भी दिवंगत आत्मा के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने एक समर्पित उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी जनरल बिपिन रावत जी को, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत जी को, ब्रिगेडियर लंबर विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, अन्य सैन्य कर्मियों को जिन्होंने इस पूरे इस दुर्घटना के दौरान, जो आज हमारे बीच में भौतिक रूप से नहीं है, उन सब के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विंग कमांडर वरुण सिंह की शीघ्र स्वास्थ्य की कामना भी ईश्वर से करता हूं। मैं इस अवसर पर महाप्रताप शिक्षा परिषद के मुख्य महोत्सव में केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने देखा होगा कि अपने महत्वपूर्ण उद्बोधन में भी माननीय प्रधान जी ने आप सबको, प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, कौशल विकास के साथ ही कैसे देश में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए अपने छात्रों को एक सर्वांगीण विकास में हम सब की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस रूप में उन्होंने अपने दूरदर्शी सोच के माध्यम से अपना एक व्यावहारिक वक्तव्य
अभी यहाँ पर महाप्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े हुए विभिन्न संस्थाओं के हजारों छात्र छात्राओं, आचार्यों और संस्था प्रमुखों, उन्होंने इसके बारे में अपना मार्गदर्शन भी दिया है। यह हमारा सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत नई शिक्षा नीति के साथ सामने आया है। तो नई शिक्षा नीति भारत को दुनिया का एक सबसे समृद्ध देशों की श्रेणी में खड़ा करने के दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक प्रमुख भाग है। शिक्षा जीवन के सर्वांगीण विकास का एक केंद्र बिंदु है। शिक्षा के बगैर कोई भी समाज सभ्य और संस्कार युक्त होने की कल्पना भी नहीं कर सकता, और जब सभ्य और संस्कार युक्त ही नहीं तो समृद्धि कहां से आएगी। तो सभ्यता और संस्कृति के मूल में उसके संस्कार भी है और उनका केंद्र बिंदु है शिक्षा। याद करिए, महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने जब 1932 में आज से 90 वर्ष पहले महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना के लिए अपनी पहली संस्था की नींव रखी होगी, उस समय उन्होंने भाव जोड़ रहा होगा कि कुछ समय के बाद देश आजाद होगा, तो आजाद भारत के अंदर हम किस प्रकार के नागरिक थे। उस भाव को ध्यान में रखकर के उस समय जो उन्होंने कार्य प्रारंभ किया, आज वह देश के अंदर विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के द्वारा संचालित संस्थाएं या फिर सरस्वती शिशु मंदिर से जुड़ी हुई संस्थाएं उस भाव का प्रतिनिधित्व करती है, जो हरेक छात्र छात्रा के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना देने के साथ साथ राष्ट्रीयता के लिए अपने समाज, अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति के लिए हम सबकी क्या भूमिका होनी चाहिए, इस भाव के साथ भी हम सबको जोड़ने का कार्य करती है। याद रखना, हमारा धर्म हमें केवल उपासना विधि तक सीमित नहीं रखता, हमारा दर्शन जब धर्म की व्याख्या ही करता है तो धर्म की व्याख्या उसका एक विराट रूप लेकर के करता है। वो ये नहीं कहता है कि अपने उपासना स्थल पर अपने इष्ट की उपासना करना ही धर्म है, नहीं, भारतीय मनीषा ने कभी इसको धर्म नहीं माना। उसकी आस्था हो सकती है, उसकी पूजा पद्धति हो सकती है, लेकिन यह संपूर्ण धर्म नहीं है। हमारे यहां तो धर्म को माना गया कि यह तो अभ्युदय निश्चेष सिद्धि सधर्म है, यानी उसके दो पक्ष बहुत स्पष्ट हैं, एक अभ्युदय का और एक निश्चेष का। अभ्युदय सांसारिक उत्कर्ष से जुड़ता है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से जुड़ता है, और निश्रेयस जीवन के अलग अलग पक्ष में कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए मुक्ति का मार्ग अलग अलग हो सकता है। एक छात्र अपनी एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता तो पिछली क्लास से उसे मुक्ति मिली, अगली क्लास में चला गया, वह शिक्षा ग्रहण करने के बाद जीवन के किसी एक क्षेत्र में पदार्पण कर रहा है, सर्विस में गया है, व्यवसाय में गया है, सेवा के किसी अन्य क्षेत्र में आया है, तो उसको पिछले कार्य से मुक्ति मिली, अब उसने नए जीवन में प्रवेश किया है। ऐसे ही जीवन के अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग उसके मायने हो सकते हैं, लेकिन भारतीय मनीषा ने धर्म को कभी सीमित दायरे में कैद करके नहीं देखा, सांसारिक उत्कर्ष का उसको महत्वपूर्ण पहलू भी माना है, और सांसारिक उत्कर्ष के इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जिसे हमने अभ्युदय माना, अभ्युदय जीवन में
किए जाने वाले हमारे प्रयासों पर, हमारे पुरुषार्थों पर निर्भर करता है। हमने पुरुषार्थ को चार भागों में बांटा है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमारा धर्म भी हमें इन्हीं मार्गों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित कर रहा है। हमने धर्म को इसके साथ ही जोड़ दिया है कि हमें अपने अभ्युदय के लिए और जीवन में श्रेष्ठ की प्राप्ति करने के लिए ही कार्य करना है। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा, बुरा करेंगे तो उसके पाप से कोई वंचित भी नहीं कर पाएगा। व्यक्ति अपने पुण्य से कोई रोक नहीं सकता और उसके पाप से भी उसे कोई वंचित नहीं कर सकता है। और इसे ध्यान में रखकर के जब भी हम कार्य करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता हमें प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। ये पुरुष ब्रह्मण महान के दिग्विजयनाथ जी महाराज ने जब महाप्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की होगी तो 1932 में उनके मन में प्रभाव जरूर रहा होगा एक कि आजाद भारत में आजाद भारत के नागरिक के स्वरूप में होने चाहिए। और इसके लिए उन्होंने एक नायक को सामने रखा महाप्रताप के रूप में, एक महानायक। देश और धर्म के लिए हम सबकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। जब भी देश के अंदर आत्मबलिदान, सौर और पराक्रम की चर्चा होती है तो महाराणा प्रताप का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ हर भारतीय के मन में देखने को मिलता है। बड़ी श्रद्धा के साथ हर व्यक्ति महाराणा प्रताप को स्मरण करता है, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को, उनके बलिदान को। उस कालखंड में तमाम राजे महाराजे थे, बहुत सारे लोगों ने विदेशी आक्रांताओं की अधीनता स्वीकार की, लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। स्वदेश और स्वाभिमान से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता है। किसी विदेशी ताकत के सामने कभी हम लोग सिर नहीं झुका सकते, उसके अधीनता नहीं स्वीकार कर सकते। और वे आजीवन लड़ते रहे मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए। स्वाधीनता की कीमत क्या होनी चाहिए, महाराणा प्रताप के त्याग और बलिदान से हम सब समझ सकते हैं। और इसलिए महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने जब अपनी पहली संस्था की स्थापना की तो उसका नाम भी महाराणा प्रताप के ही नाम पर रखा। महाजी गुरु गोरक्षनाथ जी की अहेतुक कृपा और उस कृपा और आशीर्वाद उनके साथ था। धार्मिक पीठ है, धार्मिक कार्यक्रमों का स्वरूप हम केवल अपने को पूजा पद्धति तक सीमित करके नहीं रख सकते, बल्कि हमारे धर्मस्थल प्राचीन गुरुकुलों की तरह नेतृत्व करते हुए दिखाई दे। प्राचीन समय में, प्राचीन काल में उस समय की व्यवस्था रही होगी कि गुरुकुल अपने तरीके से संचालित होते थे, समाज की व्यवस्था समाज के माध्यम से संचालित होती थी। स्वतंत्र भारत में समाज की व्यवस्था का संचालन करने के लिए एक संविधान है। संविधान हम सबका मार्गदर्शक है, पूरे देश के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में संविधान का पालन करना हर भारतीय का दायित्व है। लेकिन जिस कालखंड में संविधान नहीं रहा होगा उस समय स्मृतियां रही होंगी, गुरुकुल की परंपरा रही होंगी, धर्म ग्रंथ उसके मार्गदर्शक रहे होंगे। उस समय उसके अनुरूप आचरण करना, उसके अनुरूप चलना और गुरुकुलों ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया था। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद उसका एक नवीनतम रूप लेकर के 1932 में आया, जब गोरक्षपीठ के संरक्षण में इस शिक्षा परिषद की स्थापना हुई होगी। और उसके बाद धार्मिक पीठ केवल और केवल वहां तक सीमित न रहे, बल्कि धार्मिक पीठों को शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आरोग्यता के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। और आज आप देख सकते हैं कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरक्षपीठ के संरक्षण में केवल शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को संचालन कर रही है,
बल्कि आरोग्यता के लिए भी कार्य कर रही है। महायोगी गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय हो, महंत दिग्विजयनाथ आयुर्वेद चिकित्सालय हो, माँ पाटेश्वरी चिकित्सालय हो, या महंत अवैद्यनाथ जी महाराज के नाम पर स्थापित विभिन्न प्रकार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की श्रृंखला, उसका एक उदाहरण हो सकता है। नर्सिंग के पाठ्यक्रम उसके उदाहरण हो सकते हैं। अन्य अनेक कार्यक्रम, योग संस्थान, सेवा के विभिन्न प्रकार के प्रकल्प, वनवासी बच्चों के लिए, थारू जनजाति के बच्चों के लिए किए जाने वाले कार्यक्रम, उनके छात्रावास, इसके उदाहरण हो सकते हैं। अन्य सभी हमारा धर्म हमें किसी एक संकुचित दायरे में कैद करके नहीं रखता, बल्कि जीवन का एक विस्तृत क्षेत्र हम सबको आगे बढ़ने के लिए देता है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके जब महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने महाप्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की होगी, तो 1932 में उनके मन में जरूर रहा होगा, उस चीजों को ध्यान में रखना होगा। जीवन में सामाजिक क्रांति शिक्षा के बगैर संभव नहीं। और अपने रेडियो पर प्रहार भी अगर करना है तो वह भी शिक्षा के बगैर नहीं हो सकता। गोरखपीठ भारत की एक ऐसी धार्मिक पीठ है जिसने उन सामाजिक रूढ़ियों का सदैव विरोध किया जो समाज की एकता में बाधक रही है, चाहे वह जातिवाद का रहा हो, छुआछूत और अस्पृश्यता का रहा हो, बाल विवाह हो, या किसी भी प्रकार के उस आडंबर और रूढ़ी का जो समाज की एकता में बाधक रहा हो, जिन कारणों से ये देश किसी कालखंड में गुलाम है और विदेशी आक्रांताओं के हमले झेलने के लिए मजबूर हुआ था। आज आवश्यकता है हम महाप्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक ब्रह्मणि महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, ब्रह्मणि महंत अवैद्यनाथ जी महाराज और उन पूज्य संतों के सानिध्य में जो कुछ भी महाप्रताप शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई संस्थाओं में अपने अपने क्षेत्र में कार्य किया है, अपने परंपरागत पाठ्यक्रम को संचालित करने के साथ साथ हम सबको इन महापुरुषों के उन आदर्शों को भी अपने जीवन में अंगीकार करने के सामने प्रयास करना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि शिक्षा परिषद कोरोना महामारी के दौरान निरंतर अपने स्तर पर कार्य करता रहा। और आज मैं फिर एक बार आपसे कहूंगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से लागू हो चुकी है और आज को भारत सरकार के शिक्षा मंत्री स्वयं आपके बीच में है। हर एक संस्था को जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित हुई थी तब मैंने स्वयं भी माला प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई सभी संस्थाओं के साथ एक बार संवाद बनाया था और मैंने कहा था इसमें दो प्रकार की कमेटियां गठित आप लोग जरूर करिएगा। भारत सरकार की जो मंशा है, प्रदेश सरकार की जो मंशा है, उस मंशा के अनुरूप उस प्रकार की कार्य योजना को बनाना, उसको लागू करना, एक विद्यालय के स्तर पर और एक दूसरा शिक्षा परिषद के स्तर पर, अलग अलग विद्यालयों का एक समूह एक साथ मिलकर के फिर इस दिशा में आगे प्रयास करें। 2022 में जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करेंगे तो उसके लिए अपने आप को तैयार करना, छात्र छात्राओं को उसके अनुरूप बनाना और उससे होने वाले जो परिणाम है उन परिणामों के साथ अपने आप को जोड़ने की तैयारी। यह एक बड़ा कार्य होगा आप सबके सामने, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिणाम आते आते महाप्रताप शिक्षा परिषद अपनी शताब्दी वर्ष भी मना रहा होगा और उन अवसर पर आत्मावलोकन करने का एक अवसर हर वर्ष संस्थापक सप्ताह समारोह आपको देगा ही। 100 वर्ष की अपनी इस यात्रा को किस रूप में आप आगे लेकर के चले हैं यह भी आपको बताने का एक अवसर होगा। विगत एक सप्ताह के दौरान या विगत एक वर्ष के दौरान विभिन्न संस्थाओं के जो परिणाम सामने आए हैं उन सभी छात्र छात्राओं को, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, प्रशिक्षण के क्षेत्र में हो,
मेडिकल का हो, पैरामेडिकल का हो, नर्सिंग का हो, तकनीक का हो, या फिर एक सप्ताह के अंदर चली विभिन्न प्रकार की खेलकूद की प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रतियोगिताएं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, उन सभी प्रतियोगिताओं में जिन छात्र छात्राओं ने स्थान प्राप्त किया है उन सबको हम इस अवसर पर बधाई देते हैं, अपनी शुभकामनाएं देते हैं और विश्वास व्यक्त करते हैं कि आप सभी लोग एक सार्थक दिशा में प्रयास करेंगे। आज का कार्यक्रम, यद्यपि जितने भी बच्चे अलग अलग क्षेत्र में सफल हुए हैं उन सबको सम्मानित करने का कार्यक्रम होगा, लेकिन कार्यक्रम को सीमित करने का भी प्रयास हुआ है और उसको ध्यान में रखकर के जो योग्यता छात्रवृत्तियां हैं वे संस्थाओं को सौंप दी जाएंगी। संस्थाएं अपने विद्यालय का कार्यक्रम अलग से अपने संस्थान में करते हुए उन सभी छात्र छात्राओं को अपनी स्कॉलरशिप अपने विद्यालय में वितरित करेंगे और बाकी जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं इस दौरान हुई है उन सभी बच्चों को और संस्थाओं को यहां पर मुख्य अतिथि के कर कमलों से सम्मानित किया जाएगा। मैं एक बार फिर से जिन छात्र छात्राओं को यहां पर सम्मानित किया जाएगा या जिन्हें उनके विद्यालय में सम्मानित किया जाएगा या जो संस्थाएं अपना अच्छा की है और उन्हें कोई स्थान प्राप्त हुआ है, वो पुरस्कृत हो रही है, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अपने मुख्य अतिथि श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का हृदय से स्वागत करता हूं और इस अवसर पर मैं आप सबसे यह अनुरोध करूंगा कि हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुरूप उनके विजन को अंगीकार करते हुए भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के लिए हर एक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ करेगा तो उसके बेहतर परिणाम होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।